नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Neo 7 Pro 5G वर्सेस Motorola Edge 50 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Neo 7 Pro में 6.49 इंच जबकि Edge 50 Pro 5G में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Neo 7 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Neo 7 Pro में 3.03 इंच जबकि Edge 50 Pro 5G में 2.85 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Neo 7 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Neo 7 Pro में 0.33 इंच जबकि Edge 50 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Neo 7 Pro में 194.5 ग्राम जबकि Edge 50 Pro 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Neo 7 Pro में AMOLED जबकि Edge 50 Pro 5G में PoLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Neo 7 Pro में 6.78 इंचेस जबकि Edge 50 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Neo 7 Pro में 1080x2400px FHD+ और Edge 50 Pro 5G में 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Neo 7 Pro में 87.57% जबकि Edge 50 Pro 5G में 92.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Neo 7 Pro में 388 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Edge 50 Pro 5G में 444 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Neo 7 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 50 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Neo 7 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Edge 50 Pro 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Neo 7 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Edge 50 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Neo 7 Pro में Adreno 730 जबकि Edge 50 Pro 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Neo 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और Edge 50 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Neo 7 Pro में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Edge 50 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Neo 7 Pro में Android V13 जबकि Edge 50 Pro 5G में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Neo 7 Pro में 5000 mAh जबकि Edge 50 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Neo 7 Pro में 2
कलर्स, जबकि H50 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो न्यू 7 प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,546 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H50 Pro 5G की, तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Neo 7 Pro 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Motorola H50 Pro 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में H50 Pro 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Neo 7 Pro आगे है। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।